दोस्तों, पूरी दुनिया में लोग अलग-अलग तरह के फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं। इतनी बड़ी खपत की आपूर्ति के लिए इन्हें बनाने के लिए चाहिए होती है बड़ी और ऑटोमेटिक मशीनें। आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली मॉडर्न मशीनें। तो चलिए देखते हैं। ब्रेड मेकिंग मशीन। फास्ट फूड के तौर पर ब्रेड खाना सभी लोग पसंद करते हैं। ब्रेड बनाने की ये एक बड़ी और ऑटोमेटिक मशीन है। सबसे पहले इस मशीन के टैंक में आटे का घोल तैयार किया जाता है, जो ऑटोमेटिक तरीके से ऊपर जाकर इस मशीन के कंटेनर में भर देता है। अगले यूनिट में यह मशीन आटे के गोले बनाकर नीचे चल रही कन्वेयर पर छोड़ती जाती है। इसके बाद ये गोले कई तरह के रोलर से गुजरने के बाद ब्रेड के शेप में ढल जाते हैं। आगे चलकर वर्कर्स इन्हें मूवेबल चेयर के सहारे इन पर कट लगाते जाते हैं। इस मशीन का हर एक यूनिट परफेक्ट काम करते हुए ब्रेड्स को सेकने के लिए ओवन यूनिट में पहुंचा देते हैं और इस तरह पैकिंग के लिए ब्रेड तैयार हो जाती हैं। बेकन यूएसए। अमेरिकन कंपनी बेकन यूएसए ने कुकीज़ बनाने के लिए इस मशीन को डिज़ाइन किया है। यह मशीन कई तरह के आकार और डिजाइंस के कुकीज़ बना सकती हैं। इस मशीन में कुकीज़ का रॉ मटेरियल डालने के बाद ये अपने हाइड्रोलिक नोजल के द्वारा अलग अलग शेप के कुकीज़ ट्रे पर रखती जाती हैं, जिन्हें सेक कर खाने के लिए तैयार किया जाता है। टॉर्टिल मेकिंग। दोस्तों, पापड़ तो आप सबने खाए ही होंगे। ये मक्का के बने होते हैं। पापड़ बनाने की ये ऑटोमेटिक और बड़ी मशीन है। इस मशीन के टैंक में सबसे पहले मक्का को भिगोकर डाला जाता है, जिसे ये मशीन उसका पेस्ट बना देती है। तैयार पेस्ट मशीन में डालने पर ये उसे एक लेयर के रूप में निकालती है। इसके बाद ये लेयर एक रोलर के नीचे से गुजारी जाती है। रोलर पर लगे फ्रेम इस शीट को गोलाकार में काटते हुए चलते हैं। इसके बाद ये पापड़ एक कन्वेयर से होते हुए ओवन यूनिट में चले जाते हैं। सेकने के बाद पापड़ पैकिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। पवन ग्रुप। नूडल्स बनाने की यह विशालकाय और ऑटोमेटिक मशीन पवन ग्रुप कंपनी ने बनाई है। आटा तैयार करने से लेकर उसकी शीट बनाने और फिर रोलर्स की मदद से लाइंस में काटने का काम ये मशीन ऑटोमेटिक तरीके से कर देती हैं। यह मशीन एक घंटे में 1000 किलोग्राम नूडल्स का प्रोडक्शन कर सकती हैं। पोटैटो चिप्स मेकिंग। आलू के चिप्स बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी लोग खाना पसंद करते हैं। आलू के चिप्स बनाने की ये मशीन यूएसए की कंपनी माइक सेल्स ने बनाई है। चिप्स बनाने के प्रोसेस में सबसे पहले आलू को एक टैंक में वॉश किया जाता है। इसके बाद एक कन्वेयर से होते हुए ये ग्राइंडर यूनिट में डाले जाते हैं। ग्राइंडर में घूमते हुए ये चिप्स की शेप में काट दिए जाते हैं। आगे की स्टीमर यूनिट में इन्हें सेकने का काम किया जाता है। सेकने के बाद ये मसाले वाली यूनिट से निकाले जाते हैं और क्वालिटी चेक करने के बाद इन्हें पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।